नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं अजिता। आज भारत समेत दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका, चीन, जापान, यहां तक कि पाकिस्तान में भी योग शिविर लगाए गए। वहीं देश भर में योग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 57 मंत्रियों ने हिस्सा लिया। मुख्य कार्यक्रम चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को मोबाइल की तरह ही लोगों को अपनाने के लिए कहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2014 में ऐलान किया था कि 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तीन खास मेहमान मौजूद हैं। मैं आपका परिचय करा देती हूँ। ललित मदान जी हैं जो कि योगा टीचर हैं, पवन कुमार जी हैं आप भी योगा टीचर हैं, और नीतू हैं जो कि योगा डेमोंस्ट्रेटर हैं। इनसे हम योग के अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले ललित आपके पास आएंगे। आपने आज कनॉट प्लेस में काफी बड़ा कार्यक्रम करवाया, जहां पर काफी खास लोग भी मौजूद थे, आम लोग भी मौजूद थे। मुझे बताइए किस तरह का ये कार्यक्रम रहा। आज 10,000 के करीब यहाँ पर लोग जुटे थे, और क्या विशेषता थी आज आपके कार्यक्रम की? सबसे पहले तो ये कि आज आपने जिस तरह तस्वीरें दिखाई यहाँ पे, कि पूरा विश्व इस योग में, योग के रंग में रंग गया है, ये देख के बहुत आनंद की स्थिति अनुभव हुई। कनॉट प्लेस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सिर्फ युवाओं में ही योग के लिए जोश नहीं दिखा, बच्चों में भी योग के लिए जोश दिखा। छोटे बच्चे से लेके एक वृद्ध अवस्था तक, जिनसे जिस लेवल तक आसन कर पा रहे थे, वह भी इस योग के रंग में रंगना चाह रहे थे। और 10,000 लोगों ने इस योग के रंग में अपने आप को रंगने का प्रयास किया। जिस तरह पिछली बार राजपथ को योग पथ बना दिया था, इस तरह सेंट्रल पार्क को योग पार्क बनाने का उन्होंने कार्य किया। बिल्कुल ललित, पिछली बार राजपथ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, मुझे ये बताइए आप जब भी इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, खासकर पिछली बार के कार्यक्रम को अगर हम याद करें, तो योगा से तो आप जुड़े हैं, लेकिन एक इतने भव्य कार्यक्रम को हैंडल करना, और वो भी ऐसा जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, क्या किसी किस्म का तनाव होता है या योगा आपको इससे उबार लेता है? नहीं, तनाव तो ये कहें कि योग में सम रहना सीखना, वो ही हम लोगों को सिखाते हैं। और जब माननीय प्रधानमंत्री जब खुद इस कार्यक्रम में जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा जोश कम नहीं होना चाहिए। और वो देश के लिए एक अच्छा सा प्रोग्राम हमें करना था कि पूरा विश्व इसको देखे और हमारे देश का एक नाम हो और योग का संदेश घर घर तक पहुंचे, लोग अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए योग को अपनाएं। और ये देख के बहुत आनंद की स्थिति अनुभव हुई कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद स्टेज से उतर के सबके बीच में आके उन्होंने अभ्यास किया, और यही अभ्यास आज भी देखने को मिला। वह चाहते तो स्टेज पे बैठ सकते थे, पर अच्छा लगा ये कि एक ग्राउंड लेवल पे आके सबके साथ वर्क करना, तो लोगों में एक उत्साह बढ़ता है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे साथ योग कर रहे हैं। और योग के लिए उन्होंने एक दिन निर्धारित किया है, इसके पीछे तथ्य भी हैं, दुनिया जानती है कि 21 जून को एक सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को डिसाइड किया, यहाँ सबकी सहमति के साथ दिन बैठा। बट योग के लिए हर दिन, जैसे उन्होंने आज बहुत अच्छा संदेश दिया कि मोबाइल की तरह योग को प्रयोग करना, सिर्फ आज के दिन ही योग नहीं, हर दिन कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ अपना समय ध्यान का। पिछली बार भी उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया था वहां से, राजपथ से, कि आसनों को योग ना माने, चार या पांच आसन आप बहुत बड़े योगी नहीं, प्राणायाम, ध्यान, और ध्यान ही एक योग का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल, योग की विशेषता पर मैं आऊंगी और मैं योग के बारे में भी आपसे तफसील से जानूंगी, लेकिन पवन और नीतू से भी बात कर लेते हैं। आप लोग डेमोंस्ट्रेटर रहे हैं पिछली बार राजपथ पर और आज कनॉट प्लेस के कार्यक्रम में, तो वो सवाल जिसका जवाब ललित जी ने मुझे नहीं दिया, आप लोग उससे पूछ लेती हूँ कि जब आप लोग डेमोंस्ट्रेट करते हैं और आपको पता है कि वीवीआईपी के सामने डेमोंस्ट्रेट करना है, तो क्या उसके लिए कुछ विशेष तैयारी करते हैं, या जैसे आम दिन में जो क्रियाएं करते हैं जैसे करते हैं, बिल्कुल वही बैलेंस का भाव आ चुका है आप में योग करते करते? जी बिल्कुल, अगर आप योग अभ्यास करते हैं तो आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती, आपको समत्व में रहना ही होता है। नॉर्मली हम किसी चीज को स्ट्रेसफुली लेते हैं, और योग इसी से अलग हटने को सिखाता है कि हम समत्व में रहें। अगर कोई अभ्यास करना है, किसी वीआईपी के साथ करना है, किसी सामान्य व्यक्ति के साथ करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, आप समत्व में रहते हैं और बैलेंस स्टेट में रहते हैं, आपका माइंड भी साथ देता है, आपकी बॉडी भी साथ देती है, बिल्कुल, तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जैसे हम आपके साथ ऐसे महसूस कर रहे हैं।
बिल्कुल नीतू, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि और क्योंकि हम वीआईपी इसके सामने कर रहे थे, तो ये तो है कि प्रैक्टिस तो हमें करनी ही पड़ेगी. और स्ट्रेस का तो कोई स्थान है ही नहीं योग में. हम तो बोलते हैं कि स्ट्रेस फ्री बनाएगा आपको योग, तो पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम ही स्ट्रेस में रहेंगे तो बाकी लोग को क्या सिखाएंगे. बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात आपने बोली. ललित, कब से जुड़े हैं आप योग से? हम 2009 से इस योग क्षेत्र में अपने आप को कहें कि स्वस्थ करने के रूप में आए थे. तब हमें भी एक मिसकंसेप्शन होता था कि योग सिर्फ एक अल्टरनेट थेरेपी है, बट नहीं, योग इज अ वे ऑफ लाइफ. और 6-7 साल हो चुके हैं हमें इस क्षेत्र में आए हुए, तो वहां से धीरे धीरे हमें इसमें रुचि बढ़ी. फिर लगा कि सिर्फ आसना से नहीं बात बनेगी, कुछ जानकारी, क्योंकि दिस आर द हार्डवेयर. हम ये कहें आसन और प्राणायाम कोई भी सीख सकता है, जैसे आज लोगों ने किया, सीखा, बट सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर जितना मर्जी अच्छा हो, सॉफ्टवेयर क्या है? तो उसके लिए थ्योरी पढ़ी और 6 साल हो गए, अभी भी पढ़ रहे हैं. अभी हम ये कहेंगे योग में सिर्फ एक आ के अक्षर पे पहुंचे हैं, हमें आखिरी तक जाना है. बहुत है, बहुत बड़ा सागर है योग. तो आपने फुल टाइम योग को अपना लिया है? जी, हम पूरे दिन 24 घंटे इसमें है. 24 घंटे इन द सेंस कि योग जीवन जीने की कला है. जैसे मैंने पहले कहा, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जैसे आप अभी बैठे सजग हैं, जागरूक हैं, तो आप योग कर रहे हैं. अपने कार्य में कुशलता लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप योग कर रहे हैं. भगवद गीता में लिखा है, योग कर्म सु कौशलम, हर कार्य को कुशलता पूर्वक करने की कोशिश करें. बिल्कुल. और अच्छा लगता है कि जब आप मेडिटेशन क्लास लेके, ध्यान की क्लास लेके, अब एक अच्छी क्लास लेके आप बाहर निकलते हैं, सामने वाले के चेहरे पर जो एक आनंद की स्थिति होती है, कंफर्ट फील होता है, उसकी बीमारियां दूर हो रही है, तो आपका तनाव तो जीवन में ऐसा नहीं है कि योग के क्षेत्र में जो रहते हैं उनके जीवन में कोई घर की समस्या नहीं होती, परंतु दे नो हाउ टू टैकल इजली. समस्याएं आती हैं, लेकिन आपको उनसे निकलना आ जाता है, जूझना आ जाता है, उनका कैसे मुकाबला करना है वो आ जाता है. पवन, आपने भी क्या योग पूरी तरह से अपना लिया? जी जी, हमारा फुल टाइम. बिल्कुल, हमने मास्टर्स करा देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से, MSc इन योगिक साइंस एंड होलिस्टिक हेल्थ. 2012 में हमने ये अपना प्रोफेशन कोर्स कंप्लीट किया. तब से अभी हम मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में एज ए टीचर वर्क करते आ रहे हैं. हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट के चलते रहते हैं प्रोग्राम, जैसे एक आरोग्य होता है जिसमें हर स्टेट में योगा को प्रमोट करने के लिए चलता आ रहा है. तो उससे पहले भी हम लोग जाते रहे हैं, इस अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए लोगों में जागरूकता लाएं, लोग स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जागरूक हों, योग को अपनाएं तो बहुत सारी दवाइयों से बच सकते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस से बच सकते हैं. तो ये हमने लाइफ टाइम के लिए ही जुड़े इसे. योग ऐसा है कि अब जुड़ ही गए तो ये लग नहीं रहा कि हम हट पाएंगे अब इससे, ऐसा हो गया. बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि योग न सिर्फ आपको निरोगी रखता है बल्कि रोजगार के जो एवेन्यूज है वो भी उपलब्ध करवाता है, रोजगार का जरिया भी है योग. और जिस पैमाने पर इसको अब फैलाया जा रहा है, नीतू आप भी अब इसी से जुड़ी हुई हैं? जी, मैं इसी से ही जुड़ी हुई हूँ और मैं केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 25 रोहिणी में योग अध्यापक हूँ. बहुत बढ़िया. ललित, मुझे ये बताइए कि योग भी क्या कई प्रकार के होते हैं? जैसा कि कहा जाता है, आजकल बहुत देखने में आता है, कोई पावर योगा की बात कर रहा है, कोई कुछ और योगा की. तो एक तरह का मिसकंसेप्शन भी लोगों में है कि शायद योग के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग तरह का योग होता है. क्या ये बात सही है? ये वाकई मिसकंसेप्शन है. हम ये कहें कि योग एक है, परंतु लोगों ने उसको जैसा अनुभव किया उसके हिसाब से बनाना शुरू कर दिया. किसी ने फिजिकल लेवल तक ही अनुभव किया, उसने योग को योगा कर दिया, और जिसने उसको अंदर मन के साथ जोड़ने का प्रयास किया उसने योग ही रहने दिया. जो ट्रेडिशनल योग रहा है, टेक्स्ट में रहा है, हट योग रहा है, गेरेंट, बाकी टेक्स्टुअल नॉलेज के अकॉर्डिंग जिसने पढ़ा है तो योग ही पढ़ा होगा. उसमें हट योग की बात है, राजयोग की बात है, ज्ञान योग, लय योग, भक्ति योग, इन्हीं योग को स्कूल, दीज आर द स्कूल्स ऑफ योग. ये मार्ग है, जैसे किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं, पर मंजिल एक ही होती है. यहाँ पे भी उस मंजिल तक पहुंचना है, मंजिल है अपने आप को जानना, हु एम आई, सेल्फ रियलाइजेशन. ऐसा नहीं है कि जनरल, पर वो सही रास्ता क्या है, आप जिस राह से जाना चाहे, सभी रास्ते सही, भक्ति योग से जाना चाहे भक्ति योग, परंतु ऐसा ना हो कि मुझे इसमें मंजिल नहीं मिल रही, थोड़ा आगे जाके वापिस आ जाए, और योग से मेरे में कुछ नहीं चेंजेस आए. आप हट योग से जा रहे हैं, आसनों के अभ्यास से जा रहे हैं, कुछ टाइम करा, भाग के वापस आ गया, अब मैं भक्ति योग में जाऊंगा, अब मैं लय योग में जाऊंगा, तो राह मत बदले. हम ये कहेंगे जिस योग पथ पे आप चल रहे हैं उस पे अपने दृढ़ निश्चय के साथ चलते रहें. टेक्स्चुअल में कहा गया है कि साधक वह होता है जिसमें उत्साह हो, साहस हो, धैर्य हो, तो वह साधक कहलाता है. तो बस राह मत बदले. इवन हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने 4 राहों के बारे में बताया,
भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, और उन्होंने इस प्रकार कहा है कि आप इन पथ पे चलें तब आप अपने इस गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, बातचीत को हम जारी रखेंगे। लेकिन इसी बीच दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में भी योग अभ्यास शिविर लगाया गया। इस मौके पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय से बातचीत की न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता राघवेंद्र द्विवेदी ने। मुख्यालय में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। कैलाश जी, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश और दुनिया में मनाया गया, बीजेपी दफ्तर में पहली बार, एक अच्छी पहल है। आने वाले दिनों में देखा जाएगा इस तरह का और भी योगाभ्यास? नहीं, हमारे यहाँ तो काफ़ी लोग करते हैं, मैं भी प्रतिदिन करता हूँ, और अच्छा है। तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने भारत की विरासत को सारी दुनिया में फैलाने का काम किया है। योग से न सिर्फ शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, तो सर्वांगीण विकास का माध्यम है योग, और हमारे ऋषि मनुष्यों की तपस्या का फल है। लेकिन कैलाश जी, कुछ लोग इसको धर्म से जोड़ देते हैं, कुछ लोग राजनीति से जोड़ देते हैं, और बेवजह जो विवाद खड़ा होता है, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे आप? ऐसे लोगों से अपन ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे, या उनकी संकुचित मानसिकता का विस्तार हो। एक सवाल सर ये भी है कि पिछला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, पहला था, उससे ज़्यादा अच्छा इस बार रहा, और उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में और इसका फैलाव होगा। बहुत सारे देश, करीब 170 देशों ने जो सहमति जताई थी, लेकिन फिर वही बात आती है कि योग को लोग योग की तरह से लेते क्यों नहीं है, उनकी राजनीति इस एक दिन पर भी हावी हो जाती है। मैं कह रहा हूँ ना, संकुचित मानसिकता के लोग हैं। आज योग सारी दुनिया के अंदर फैला है, हमारे यहाँ के लाखों योग शिक्षक आज दुनिया के अंदर योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। यदि हम रोजगार की दृष्टि से देखें तो बहुत सारे लोगों को। तो ललित, वापस बातचीत पर लौटते हैं, मुझे बताइए, पिछले साल तो आपने प्रधानमंत्री को योग करवा दिया था, इस बार कौन कौन से बड़े लोगों को आपने योग करवाया है, और इस दौरान सिर्फ इंटरनेशनल योगा डे ही नहीं, अलावा इसके भी आप कौन कौन सी बड़ी हस्तियों को योग करवा चुके हैं? योग में सब एक जैसे, जो साधक बन के आ रहा है वो बराबर एक स्तर पे आ जाता है, और हाँ। क्योंकि योग राग द्वेष अभिनिवेश और अहम को तोड़ने की एक छोटा सा, एक कह सकते हैं, एक मार्ग है। यदि आप इन चीजों में रहेंगे तो योग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कोई भी इंसान, मैं ये हूँ तो मैं रहेगा तो नहीं, तो जब वो सहज साधक बन के आता है, जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स आते हैं तो सब एक जैसे हैं हमारे लिए, उसमें IAS अधिकारी भी आते हैं, उसमें दिल्ली पुलिस के भी लोग होते हैं, इवन मिलिट्री से भी हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो वहाँ पर आने के बाद वो योग के रंग में रंग जाते हैं। वहाँ कोई नहीं कि हम किस पद पे हैं। लेकिन अनुभव तो अलग अलग तरह से होते होंगे अलग अलग लोगों के साथ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सबका आकार एक जैसा नहीं। हाँ वही, उन्हीं अनुभवों के बारे में मैं जानना चाह रही हूँ। नहीं, अच्छा है कि पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह करा, और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा, उन्होंने एक कहें अंकुर जो बोया, जैसे वो बात कर रहे थे पिछली बार से बड़ा मनाया गया है योगा डे, उन्होंने एक पिछले साल एक अंकुर बोया था, जो अब धीरे धीरे एक छोटे वृक्ष के रूप में बढ़ रहा है, और आने वाला टाइम में ये बहुत बड़ा वृक्ष, फलदार वृक्ष बनेगा। जिस तरह जीवन, लोगों ने कहा कि योग को एक रोजगार के रूप में देख रहे हैं, और सत्य बात है कि अगर आप योग को अपने जीवन में अपना रहे हैं एज अ प्रोफेशन तो गलत नहीं। तो आज के कार्यक्रम में कौन कौन से सेलिब्रिटीज थे मौजूद? आज के कार्यक्रम में हमारे वेंकैया नायडू जी, हमारे जो MP हैं, और दिल्ली के जो LG हैं वो थे, और मीनाक्षी लेखी जी थे, बाकी भी बड़े अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे, NDMC के कमिश्नर वहाँ पे मौजूद थे, जिनके कारण ये सारा योग का कार्यक्रम हो पाया सफल रूप से। अच्छा, मुझे बताइए कि क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग रेगुलरली योग प्रैक्टिस करते हों, ऐसे में जब, क्योंकि आप लोगों का काम है सही तरीके से योग करवाना, आपने इंस्ट्रक्शन दिया, आपने कमांड दी, और अगर वो उस तरह से फॉलो नहीं हुई तो तब क्या आप बीच में टोकते हैं? कैसे उसको, कैसे हैंडल करते हैं उस सिचुएशन को, या उनको करने देते हैं वो जैसा भी करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। योग इज अ 1-to-1। आप यहाँ मास्क को करवा रहे हैं, इसलिए इन लोगों को पहले प्रैक्टिस करवाई जाती है कि प्रोटोकॉल करते वक्त कोई गलतियाँ उतनी ना हो, तो इनको सिखाया जाता है। यह जगह कहीं ना कहीं अभ्यास करके आए हैं, हमारे संस्थान में लगातार पिछले 3 महीने से शिविर चल रहे थे। नहीं, मासेस की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे आपने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर को करवाया, आपने वेंकैया नायडू जी को करवाया, तो जरूरी नहीं है कि आपने जो कमांड दी वो सही तरीके से फॉलो हो। तो मैं जानना ये चाह रही हूँ कि उसको कैसे आप करेक्ट कैसे करते हैं? नहीं, ये है कि कमांड देने वक्त हम ये बोल देते हैं कि जिससे जितना शरीर अनुमति दे रहा उतना करना है। अब किसी का शरीर अनुमति नहीं दे रहा है कि आप एक युवा और एक वृद्ध अवस्था में, या ये कहें शरीर में स्टिफनेस का लेवल अलग होता है हर किसी का, तो जितना आपका शरीर अनुमति दे रहा उतना करना है। हाँ, कमांड ऐसी हो कि सामने वाला समझ पाए कि उसे करना क्या है। यदि कमांड में कुछ कमी रह जाए तो वो इंसान अपने में ही जूझता रह जाए।
तो हमारा प्रयास ये रहता है कि ऐसी कमांड दी जाए कि सामने वाला उसको सहज रूप से अपने शरीर की अनुमति के अकॉर्डिंग कर पाए, जितना उनका शरीर उनका साथ दे रहा है। आज वेंकैया नायडू जी ने प्रयास किया बहुत अच्छा, जिस आसन में उन्हें लग रहा था, बाकी उन्होंने इतना मतलब एक इस एज पे आने के बाद और ग्राउंड रियलिटी पे आके सबके साथ किया। हमें तो ऐसा ही लग रहा था कि हम वापस मोदी जी के साथ जुड़ गए। मोदी जी का जो हमने देखा जिस तरह से वो योग करते हैं, लगता है कि शायद वो हर रोज ही योग करते होंगे। उनके आसन बहुत परफेक्ट होते हैं, क्योंकि आपने पिछले साल उनको योग करवाया था राजपथ पर, तो आपने क्या अनुभव किया, आपने क्या देखा पिछले साल में और इस बार के उनके योग में? कुछ फर्क आया है या कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ और बेहतरी की तरफ गए हैं, या जैसा पिछले साल कर रहे थे इस बार भी आपने देखा होगा, इस बार उन्होंने किस तरह से योग किया? इस बार अभी थोड़ा सा ही देखा, सुबह से थोड़ा सा व्यस्त ही है, पर ये है कि एक अभ्यासी यदि अभ्यास रेगुलर कर रहे तो उसका बढ़ना सफल आगे बढ़ना जरूरी है और बढ़ते ही है, क्योंकि उनको देखकर क्या लगा, उनको देखकर बदलाव है। मोदी जी का आप देख लीजिए, जब से मोदी जी ने ज्वाइन किया है उनकी लिविंग स्टाइल बहुत अलग हो चुकी है। पहले वो एक सीएम थे, अब पीएम हो चुके हैं। पीएम बनने के बाद उनकी एक भी छुट्टी नहीं है, इतना उनकी लाइफस्टाइल हेक्टिक होने के बावजूद पिछले आपने देखा 6 दिनों में इतने देशों में गए वो, तो यह योग का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कमाल है उनके साथ। उन्होंने खुद कहा है कि वो 4 घंटे की नींद जो ले रहे हैं, आपके चैनल्स में हमने देखा 1 से 4 बजे तक या 12 से 4 बजे तक वो सोते हैं, जितनी जानकारी हमें है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो किसी भी इंसान के लिए 4 घंटे की नींद लेना और वो भी पूरे देश की जिम्मेदारी संभालना, तो इसमें बिना योग के संभव नहीं है आम लोगों के। लेकिन पिछली बार वो इतने परफेक्ट नहीं थे, आपको लगा कि इस बार उन्होंने ज्यादा बेहतर तरीके से आसन किए? क्योंकि पिछली बार उनका हो सकता है कि उस वक्त मन उस वक्त, क्योंकि जैसे वो आए और आके पहले लोगों को देखा और जुड़ गए, तो इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया था कि हाँ मुझे और अच्छे से करना है, ये लगा हमें तो। अच्छा जी, तो आप लोगों को कुछ स्पेशल कमांड्स, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं वीवीआईपीज़ को करवाना होता है? आसन के लिए इतना इजी वे तैयार किया जाता है कि लोगों को एक सहज रूप से समझ आ सके। इंग्लिश हिंदी दोनों बाय लैंग्वेज में करवाया गया। इवन ये जो प्रोटोकॉल तैयार किया गया ये 16 भाषाओं में यूट्यूब पे डाला गया, 16 से 18 भाषाओं की, जिससे आप हर भाषा में आप उसको समझ सकें। और वह इतना इजी सरल बनाया गया है कि आम आदमी कर पाए, अन्यथा आसनास का तो एक बहुत लेवल है हमारे। बिल्कुल जी, हाँ सही बता रहे हैं आप, बहुत लेवल के आसन होते हैं और सारे आसन हर किसी के लिए कर पाना संभव नहीं होता है। बिल्कुल इसी बात पर मैं आ रही थी। पवन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप डेमो देते हैं, आप डेमोंस्ट्रेटर हैं, नीतू भी डेमोंस्ट्रेटर हैं, तो जब कभी भी किसी वीवीआईपी के लिए इस तरह के कार्यक्रम में आप लोगों को डेमोंस्ट्रेशन देना होता है, तो क्या कुछ जो आसान आसन होते हैं बस उनको रखते हैं पूरे कार्यक्रम में, या कुछ एक मुश्किल आसन भी डालते हैं? नहीं, अगर हम किसी भी आईपी के साथ जा रहे हैं, उनको देख के जा रहे हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल जैसी है उनके अकॉर्डिंग उनको कैसा रिलैक्स होना चाहिए वैसे आसन को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि वो नॉर्मली खड़े हो पा रहे हैं तो कुछ आसन जैसे खड़े होकर करते हैं, जिससे उनको थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है, स्पाइनल इलोंगेशन हो जाता है, स्पाइन रिलैक्स हो जाती है। थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग के अभ्यास होते हैं तो थोड़ा और हम उनको कमर को हेल्दी बना सकते हैं। तो सिंपल सिंपल से आसन रखते हैं जिसमें थोड़ा वो कर पाएं और बैठ पाएं, क्योंकि अगर व्यक्ति कर नहीं सकता ना तो उसका मॉरल डाउन हो जाता है। तो हर एक को जोड़ने के लिए आपको थोड़ा पॉजिटिव वे में चलना होता है, शुरुआत थोड़ी छोटी होती है, फिर आप आगे की ओर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल नीतू, आप क्या कहेंगी? मैं भी यही कहना चाहूंगी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिशनर्स होते हैं, पहले तो आप अगर फ्रेशर हैं तो हर आसन को इजी वे में लिया जाता है, मॉडिफिकेशंस की जाती है, स्ट्रेट लेवल्स बनाए जाते हैं। अगर आप कोई आसन बैक बेंडिंग का करें तो छोटे स्तर से उसको स्टार्ट किया जाएगा, और क्योंकि हम एकदम से किसी को नहीं सिखा सकते तो पहले वार्म अप एक्सरसाइजेस होती है, जॉइंट्स मूवमेंट्स होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं आसनों का, और फायदा तो वैसा ही होगा। बिल्कुल, और अब तो आज अनाउंसमेंट भी कर दी है प्रधानमंत्री ने कि अगले साल से अवार्ड्स भी दिए जाएंगे जो बहुत अच्छा काम करेगा, बेहतरीन काम करेगा योग को लेकर, तो उसको लेकर कितना एनकरेजमेंट महसूस हो रहा है, लग रहा है मतलब इससे कुछ फर्क पड़ा है मोदी जी के इस अनाउंसमेंट से? बिल्कुल, एक बड़ी नहीं आप बोलिए बोलिए। नहीं, हमें यही लगा कि मोदी जी इसमें कुछ ना कुछ, रोज पिछले साल भी उन्होंने एक जैसे कॉइन्स को लॉन्च किया, फिर कल सूर्य नमस्कार के ऊपर उन्होंने पोस्टेज स्टैंप्स लॉन्च कर दी, और आज इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, तो एक अलग ही एक इंडस्ट्री डेवलप कर दी है योग के लिए। पहले योग था, योग कहीं ना कहीं उस एक लेवल अलग लाइन पे जा रहा था, तो मोदी जी वापस उसको ट्रेडिशन वे में ले आए हैं और लोगों का जुड़ाव बढ़ेगा कि हाँ हमें भी इसके लिए पुरस्कार किया जा सकता है। बट योग में जिसको योग का रंग रंग चुका होगा उसको लालच नहीं होगा, वो अपना बस कार्य करता रहेगा, कर्म योग करता रहेगा, निष्काम कर्मा। जब आप निष्काम कर्म के भाव से कम करते हैं तो ये अवार्ड तो मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि पिछले साल से जब से इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत हुई है,
आपको लगता है कि अवेयरनेस थी पहले भी, जैसा कि आपने भी कहा कि काम हो रहा था योग को लेकर, लेकिन क्या आप बदलाव देख रहे हैं देश भर में और विदेश के लेवल पर? यह बदलाव तो हम अपने ग्राउंड एलिट से बात करें, जहाँ पे हम शिक्षक हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में, पहले भी लोग आते थे हमारे संस्थान की तरफ से, कोई बहुत ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी नहीं की जाती, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में हमारा ये संस्थान। यहाँ पर लोगों का जो बढ़ गया है जुड़ाव, कि लोग कोर्सेज को इतने लेके डेवलप हो चुके हैं कि हमें 1 मंथ कोर्स करना है, 3 मंथ के कोर्सेज करने हैं, या यंगस्टर्स डिप्लोमा के लिए बहुत ज़्यादा कि अपना करियर इस क्षेत्र में लेके जाना है, तो पहले भी होता था, अब सीट्स लिमिटेड होती हैं और फॉर्म्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो अच्छा है नॉट हमारे इंस्टीट्यूशन में, और भी जगह पे और अलग अलग लोग इस फील्ड में आने के लिए तैयार हो रहे हैं कि हाँ कि योग से स्वस्थ तो रह सकते हैं और किसी को स्वस्थ रखने की कला भी सीख सकते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए ललित, पवन आपका भी और नीतू आपका भी, आप लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि योग को लेकर अवेयरनेस और दूर दूर तक जाए, और यही मकसद है इंटरनेशनल योगा डे का भी। बहुत शुक्रिया।